गया है। और अब बात करेंगे श्योपुर से हम खबर की, जहां श्योपुर में कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत के घर के बाहर उनके समर्थकों की भीड़ जमा हो गई। और आप देखिए कि श्योपुर में कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत के घर के बाहर उनके समर्थकों की भीड़ जमा हो गई, जहां आज बड़ी संख्या में रामनिवास के साथ कांग्रेसी बीजेपी में शामिल होंगे। और ये बड़ा मामला, एक बार फिर से बड़ा झटका कांग्रेस को लगने जा रहा है। श्योपुर से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत के घर के बाहर उनके समर्थकों की भीड़ जमा हो रही है, जहां आज बड़ी संख्या में रामनिवास के साथ ही कई कांग्रेसी बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। श्योपुर का पूरा मामला, जैसे कि आपको मालूम है कि आज मुरैना में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जनसभा को संबोधित करेंगे, और उसके पहले एक बड़ा बदलाव भी आपको देखने को मिलेगा, जहां कांग्रेस से 6 बार के रहे विधायक रामनिवास रावत आज बीजेपी में शामिल होंगे, और उनके साथ ही कई बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता भी बीजेपी का दामन थामेंगे। कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत आज बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। इस समय मौजूद हैं रामनिवास रावत के निवास के बाहर। हम देख सकते हैं वहाँ पर उनके जो समर्थक हैं, उनकी जो भीड़ है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा कि वो भीड़ को दिखाएं किस तरह से समर्थक हैं। वो यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं और बड़ी संख्या में उनके साथ में जो उनके समर्थक हैं कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में आज शामिल होंगे, जिसकी सारी तैयारियाँ यहाँ जोर शोर के साथ चल रही हैं। ऐसे सभा में सीएम मोहन यादव के अलावा नरेंद्र सिंह तोमर और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के अलावा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी यहां पर पहुंचने वाले हैं, और उनकी मौजूदगी में आज रामनिवास रावत कांग्रेस छोड़कर के भाजपा में शामिल होंगे। दीपक गंडोतिया, न्यूज 18, श्योपुर। जबलपुर भोपाल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां मेट्रो बस समेत आपस में 3 वाहनों की टक्कर हो गई है। हादसे में मेट्रो बस में सवार 6 यात्री घायल बताए गए हैं। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। बड़ी खबर है जबलपुर से, जहां भोपाल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ, मेट्रो बस समेत आपस में 3 वाहनों की टक्कर हो गई है। हादसे में मेट्रो बस में सवार 6 यात्री घायल बताए गए हैं। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। और ये देखिए तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं, 6 यात्रियों के घायल होने की जानकारी है। बड़ी टक्कर ट्रक और बस की हो गई है, और इस भीषण सड़क हादसे में 6 लोग जख्मी बताए गए हैं। 3 वाहनों की आपस में टक्कर, और कई वाहनों के जो एक हिस्सा है वो पूरा क्षतिग्रस्त हो चुका है। बस में कई यात्री सवार थे, जिनमें से 6 यात्रियों को चोट आई है। तो जबलपुर भोपाल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है, मेट्रो बस समेत आपस में 3 वाहनों की टक्कर हो गई। और एक बड़ी खबर जबलपुर से, जहां कबाड़खाने में विस्फोट पर बड़ा खुलासा हुआ है। जी हां, पाकिस्तान कनेक्शन आया है सामने। पाकिस्तानी है कबाड़खाने के मालिक की बहू, पाकिस्तानी होने की वजह से शक नहीं कर सकते हैं, पुलिस ने कहा। एनआईए और एनएसजी की टीमें कर रही हैं जांच। आप ये देखिए कि जबलपुर में जिस दिन वोटिंग हो रही थी, उस दिन एक बड़ा धमाका हुआ था, और धमाके के साथ ही यहां पर बम या फिर बारूद या फिर ये कहें कि सिलेंडर भी ब्लास्ट हुए थे, और ये सब सामग्री यहां पर कैसे पहुंची, ये एक बड़ा सवाल था। और जब यहां पर बड़े बड़े धमाके हुए थे, उस दौरान आसपास के जो घर थे वहां पर कंपन की स्थिति हो गई थी, यहां तक कि लोगों के घरों में दरारें आ गई थी। और अब यहां पर एनएसजी की टीम, एनआईए की टीम मौके पर पहुंची, जांच की गई है, और अब जो जानकारी निकल कर सामने आई है वो और चौंकाने वाली जानकारी है। संवाददाता पवन पटेल जुड़ गए हैं। पवन, जबलपुर में हुए विस्फोट की जानकारी है कि पाकिस्तान कनेक्शन सामने आ रहा है, पूरा मामला बताएं। जी रेणु, जिस तरह से ये घटना हुई थी, उसके बाद से न सिर्फ जबलपुर बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में हड़कंप मच गया कि आखिर एक गोदाम में, कबाड़ गोदाम में ऐसा कैसे ब्लास्ट हो सकता है जिससे 8 किलोमीटर दूर तक भूकंप के झटके महसूस हों, खिड़की दरवाजों के कांच टूट जाएं। जब जांच आगे बढ़ी तो एनआईए और एनएसजी भी पुलिस के साथ इसमें जांच में शामिल हुई, और एनआईए एनएसजी की टीम अभी भी जांच कर रही है। 5 से 6 दिन का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी जानकारी स्पष्ट नहीं हो पाई है कि हादसा किस वजह से हुआ था, ब्लास्ट क्या हुआ था। वहीं जब जांच में और भी चीजें सामने की तो शमीम कबाड़ी की बहू यानी बेटे की पत्नी जो है वो पाकिस्तानी होने की जानकारी सामने आई, जिसके बाद मामला और गंभीर होता नजर आ रहा है। लेकिन अभी तक कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं है। पुलिस का कहना है कि सिर्फ इस वजह से कि वो पाकिस्तान की रहने वाली है, इसीलिए उस पर संदेह नहीं कर सकते हैं। लेकिन एनआईए एनएसजी इस मामले में भी, इस एंगल से भी जांच कर रही है। फिलहाल कबाड़ी, शमीम कबाड़ी फरार है। आपका पवन जानकारी के लिए, और जांच हालांकि लगातार हो ही रही है। और अब सीधे रुख करेंगे छत्तीसगढ़ में, सीएम विष्णुदेव साय क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। देश के टंका बाजा थे ऐसा प्रधानमंत्री, आज राम मंदिर के निर्माण कराने वाला
प्रधानमंत्री, आज जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने वाला प्रधानमंत्री, ऐसा प्रधानमंत्री के चुनाव है। और हमर रायगढ़ संसदीय क्षेत्र से हमर बीच कर श्री राधेश्याम राठिया जी हमर पार्टी के हमर प्रधानमंत्री जी के प्रत्याशी हैं। श्री राधेश्याम राठिया जी लसबा अपन जाना था कोई परिचय के मोहताज नहीं है, बहुत लंबा समय से जनसेवा में जुड़ी नहीं, सरपंच से जनपद के अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य और किसान मोर्चा, आदिवासी मोर्चा, सब मोर्चा में काम कर चुकी हैं। ऐसे राधेश्याम राठिया जो एक मिलनसार, मृदुभाषी, सबके मान और सम्मान देने वाला हमारे प्रत्याशी हैं। आने वाला 7 महीला अपना अपन बहुमूल्य वोट कमल छाप में बटन दबा के राधेश्याम राठिया जिला प्रचंड मतों से जिताना है ना। रायगढ़ संसदीय क्षेत्र लगातार भारतीय जनता पार्टी जीते थे और जो अभी तक के रिकॉर्ड बनी से रायगढ़ संसदीय क्षेत्र के वाला भी दारी तोड़ना है। 2014 में आप मन 2,17,000 से मोला जीता रहा 2014 में, तो वो रिकॉर्ड भी ये समय टूटना चाहिए कि नहीं। और एक बार खरसिया विधानसभा से भी आप मन लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ला जीता रहा, एक बार जीते थे ना आए? हाँ, तो ये बारी खाली जीताना नहीं है, भारी मत से खरसिया से भारतीय जनता पार्टी ला बढ़त दिलाना। आप सब तैयार हैं कि नहीं? तैयार है ना। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।